नमस्कार किसान भाइयों, कृषि फाई की मंडी भाव अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूँ राशि आपके साथ। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की अलग अलग मंडियों में फसलों के क्या दाम रहे। तो शुरुआत हम करेंगे लखनऊ की मंडी के साथ, जहां पर चावल के दाम 2500 रुपये रहे, पीली मक्का के दाम 2020 रुपये रहे, इसके अलावा गेहूं के दाम 2150 रुपये रहे। बहराइच की मंडी में धान के दाम 1570, चावल के दाम 2510 रुपये रहे, तो वहीं पीली मक्का के दाम 1990 और गेहूं के दाम 2250 रुपये रहे। गाजीपुर की मंडी में चावल के दाम 3460 रुपये रहे, इसके अलावा गेहूं के दाम 2180 रुपये रहे, तो वहीं जौ के दाम 2615 रुपये रहे। जालौन की मंडी में चावल के दाम 2600 रुपये और गेहूं के दाम 2285 रुपये रहे। अब बात कर लेते हैं गोरखपुर की मंडी की, जहां पर गेहूं के दाम 2200 रुपये के आसपास रहे, इसके अलावा चावल के दाम 2535 रुपये रहे, तो वहीं गेहूं जौ के दाम यहां पर 2435 रुपये रहे, इसके अलावा पीली मक्का के दाम 2020 रुपये रहे। अब बात कर लेते हैं उनाव की मंडी की, जहां चावल के दाम 2475 रुपये रहे, इसके अलावा पीली मक्का के दाम 1985 और गेहूं के दाम 2200 रुपये रहे। आगरा की मंडी में चावल के दाम 2800, सफ़ेद ज्वार के दाम 2850, बाजरे के दाम 1990, पीली मक्का के दाम 2030, तो वहीं गेहूं के दाम 2320 और जौ के दाम 2600 रुपये रहे। अब बात कर लेते हैं आखिर दलहन फसलों के क्या कुछ भाव मंडियों में रहे। तो अयोध्या की मंडी में काली उड़द के भाव 7950, हरी मूंग के भाव 8800, छोटे चने के भाव 5600, चने की दाल के भाव 6200 और सफ़ेद मटर के भाव 5500 रुपये रहे। इसके अलावा अरहर दाल के भाव 9950 रुपये रहे। अब बात कर लेते हैं गोंडा की मंडी की, जहां पर काली उड़द के भाव 7430, हरी मूंग के भाव 8530 रुपये रहे, सफ़ेद मटर के भाव यहां पर 6530 रुपये रहे और चने की दाल के भाव 6320, अरहर दाल के भाव 9200 और मसूर के भाव 6620 रुपये रहे। देवरिया की मंडी में काली उड़द के भाव 7455 रुपये रहे और हरी मूंग के भाव 7835, छोटे चने के भाव 5500, चने की दाल के भाव 6230 और सफ़ेद मटर के भाव 6135 रुपये रहे। बाराबंकी की मंडी में काली उड़द के भाव 7280, छोटे चने के भाव 5650, चने की दाल के भाव 6120, सफ़ेद मटर के भाव 6150, मटर की दाल के भाव 6240 और अरहर दाल के भाव 8980 रुपये रहे। अब बात कर लेते हैं तिलहन फसलों की, तो बलिया की मंडी में काली सरसों के भाव 6260 रुपये रहे, इसके अलावा सरसों तेल के भाव 16150 रुपये रहे। कानपुर की मंडी में सफ़ेद तिल के भाव 10400 रुपये रहे, काली सरसों के भाव 6650 रुपये रहे और सरसों तेल के भाव मंडी में 16200 रुपये रहे। मुजफ्फरनगर की मंडी में सफ़ेद तिल के भाव 9750 रुपये रहे, काली सरसों के भाव 6360 रुपये रहे, सरसों तेल के भाव 16000 रुपये रहे, इसके अलावा सरसों खली के भाव मंडी में 3200 रुपये रहे। बात कर लेते हैं ललितपुर की मंडी की, जहां पर सोयाबीन के भाव 5300, छोटी मूंगफली के भाव 5475, सफ़ेद तिल के भाव 9480, काली सरसों के भाव 6360, सरसों तेल के भाव 15690, सरसों खली के भाव 2950, तो वहीं महुआ फूल के दाम 3270 रुपये रहे। तो किसान भाइयों, ये रहा आज का उत्तर प्रदेश का मंडी भाव अपडेट। कृषि से जुड़ी और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।